हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 गैंगस्टर इन भिवानी हरियाणा के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, भिवानी पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को जुर्म की दुनिया से बचाने का है। आप लोग जुर्म की दुनिया में कदम ना रखें और जुर्म की दुनिया से बचकर रहें। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू का। दीपक कुमार उर्फ टीनू पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली में हत्या के प्रयास सहित 32 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टीनू ने भिवानी में रंजिश के चलते बंटी मास्टर की गोली मारकर हत्या की थी। बंटी की हत्या के बाद से भिवानी पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसे भिवानी CIA ने गुप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2017 में पकड़ा था। टीनू पिछले 11 सालों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। उसने पंजाब में गैंगस्टर लवि डिओडा की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू का आपराधिक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें वह फरार चल रहा है। टीनू भिवानी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पंजाब पुलिस की हिरासत से छूटकर भागे लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी एवं मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी शार्प शूटर की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है, लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर मिंटू मोडाशिया का। मिंटू पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व राजस्थान में मकोका हत्या के प्रयास, अपहरण, जान से मारने की धमकी, शस्त्र अधिनियम व मारपीट सहित 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मिंटू मोडाशिया द्वारा सोरडा जहीद गांव की जिस पंचायती भूमि पर कब्जा किया हुआ था, उसमें मकान के अलावा करीब 10 फुट ऊंची चार दीवारी बनाई हुई थी, जिस पर कटीले तार भी लगा रखे थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में CCTV कैमरे भी लगा रखे थे। भिवानी पुलिस ने बहल क्षेत्र के सोरडा जहीद गांव में गैंगस्टर मिंटू उर्फ बिट्टू मोडाशिया द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई पंचायती संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया है, जबकि मिंटू जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर अनूप किरोड़ी का। अनूप किरोड़ी भिवानी के गांव बलियाली का रहने वाला है। अनूप पर हत्या, लूट, डकैती व फिरौती के 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की हुई है। दरअसल वर्ष 2013 में अनूप किरोड़ी ने एक मोस्ट वांटेड के साथ मिलकर शिवानी के पास सुभाष नामक एक पुलिसकर्मी की कारबाइन छीनकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस आपराधिक मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। अनूप इस मामले में सजा काट रहा था। वह जुलाई 2015 को 6 सप्ताह की पैरोल पर आया था। उसे अगस्त 2015 को वापस जेल जाना था, मगर वह नहीं गया और पैरोल जंप कर गया। पुलिस ने सितंबर 2015 को पैरोल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। एक गुप्त सूचना के आधार पर CIA टीम ने इसे रेड मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर राजीव उर्फ राजू का। राजीव उर्फ राजू पंडित भिवानी के गांव नंगला का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, रंगदारी के कुल 21 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। भिवानी पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की हुई है। करीब आधा दर्जन मामलों में अभी यह फरार चल रहा है। पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश थी, जिसकी
पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि राजीव उर्फ राजू जीटी रोड पर नाथूपुर मोड़ के पास अपने किसी साथी से मिलने आ रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने अपना जाल बिछा दिया। कुछ समय वहां राजीव वहां आया, उसकी संदिग्ध गतिविधि देख एसटीएफ टीम को शक हुआ तो उसे रोककर पूछताछ की गई। युवक ने अपनी पहचान भिवानी के गांव नागल निवासी राजीव उर्फ राजू पंडित के रूप में दी। एसटीएफ ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि राजू ने गांव पालूवास में प्रॉपर्टी डीलर हरजीत उर्फ हेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी और रंगदारी मांगने के फरार हो गया था। एसटीएफ ने उसे इन मामलों में गिरफ्तार करके पूछताछ चालू कर दी है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर एक पर नाम आता है भिवानी के कुख्यात गैंगस्टर विनोद मिथावल का। विनोद मिथावल पिछले 9 सालों से हरियाणा और राजस्थान के लिए खौफ का आतंक बना हुआ है। विनोद पर हरियाणा और राजस्थान में हत्या के प्रयास, लूट और फिरौती अपहरण के कुल 70 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की हुई है। वर्ष 1992 में विनोद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। वर्ष 2010 तक 4 मर्डर इसने कर दिए थे, जिसमें शिवानी थाने में सिपाही की हत्या के अलावा राजस्थान के चूरू जिले के गाँव हमीर दवार में सितंबर को हत्या, भिवानी के भवानी खेड़ा में हत्या, वर्ष 2005 में सदर थाने के एक गांव में हत्या का मामला शामिल है। इसके बाद यह फरार हो गया था। फरार होने के बाद उसने शक के मध्य अपने साथी बजीना निवासी सुनील विकास मालवास निवासी जयबीरपुर निवासी नवीनपुर निवासी नवीन शर्मा की हत्या कर दी थी। इसके अलावा वर्ष 2016 में डॉक्टर केएल बाबा का अपहरण कर दादरी में हत्या की और शव जला दिया। विनोद को 12 केस में सजा हो चुकी है। इसके बाद से यह फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश में लंबे समय से जुटी हुई थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं था। काफ़ी लंबे समय से यह झोंपड़ी के नीचे अंडरग्राउंड कमरा व बाथरूम बनाकर रह रहा था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। एक गुप्त सूचना पर पुलिस ने इसे राजस्थान के चूरू जिले के गांव दुलरासर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस विनोद को कोर्ट में पेश कर रिमांड कर लेकर पूछताछ में लगी हुई है। दोस्तों ये थे टॉप 5 गैंगस्टर इन भिवानी हरियाणा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।